हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्मोनिक की डेफिनेशन। अगर मेरे पास ए बी सी अप टू सोन, ये क्या है? एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे ना, तो ये पता क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा एपी। अब जो भी काम आपने एपी में किया है ना, वही सेम बातें आपने एचपी में करनी है। जस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/समथिंग। ठीक है, अगर मेरे पास आज की मैं बात करूं, यहां पर देखना, nth टर्म ऑफ, अगर जीपी एचपी सीरीज निकालना है, एचपी सीरीज की nth टर्म निकालनी है, तो सिंपली पता क्या करो, फर्स्ट टर्म ऑफ, यहां पर अगर मैं बोलूं, मेरे पास फर्स्ट टर्म है किसकी? फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी T1 इज इक्वल टू 1/A, वेर A इज टर्म ऑफ AP। फिर सेकेंड टर्म होगी मेरे पास 1/A+D, वेयर A+D इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी सीरीज। आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको पता है टी एन क्या आएगा? 1/An। ए एन क्या है? टर्म और एंथ टर्म ऑफ एपी, और एपी की एंथ टर्म तो आपको पता है A+N-1D के इक्वल होती है। ठीक है जी, क्लियर है? ये है, अगर इसको आप लिखोगे तो A/A2 लिखोगे, है ना? A2 ही होता है, ये सेकंड टर्म होती है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है आज हमारे पास TN का आंसर क्या है? ये TN है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं, आपको भी सही से दिखाई देगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है? ये हमारी TN की टर्म है, मतलब nth टर्म ऑफ क्या है? एचपी। ठीक है जी, जितने भी फॉर्मूले हमने किए हैं ना, जस्ट हम क्या करेंगे, एपी की टर्म ऐसे लेके जाएंगे, एपी की एंथ एचपी की एंथ टर्म लेके जाएंगे, 1/An, वेयर An इज इक्वल टू क्या है? An एपी की टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी, एंड एपी की हम जो भी फॉर्मूला है, यहां से हम एचपी की का नहीं निकालेंगे, यहां से हम एपी का फॉर्मूला निकालेंगे। फिर उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, उस टर्म को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो टर्म क्या बन जाएगी, किसकी बन जाएगी? वो एचपी की टर्म बन जाएगी। क्लियर है? चलें इसके बेस पे अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आऊं, और एक बात और ध्यान रखने वाली है, वो क्या है, कोई भी टर्म इसमें, अगर मैं बात करूं, ये एचपी है, एचपी की सीरीज है, एक सेकेंड, एचपी की क्या है, सीरीज है मेरे पास, या सीक्वेंस है किसकी? एचपी की। ठीक है, तो उसमें जो एपी होगी ना, ऐसी होगी जिसमें जीरो टर्म नहीं आएगी। अगर जीरो आ गई, 1/0, तो कहानी खत्म होगी, है ना? समझ आ गया? तो उस एपी में जीरो टर्म कभी भी नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहले फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कैसे करना है इसका, वो भी मैं साथ में ही ट्रिक बताऊंगा। क्या है? कहते द फोर्थ टर्म ऑफ एचपी, एचपी की क्या है? फोर्थ टर्म है। अगर फोर्थ टर्म एचपी की है, ध्यान से सुनना, तो एपी की फोर्थ टर्म पता क्या होगी? 5/3 होगा। ये क्लियर है? एपी की फोर्थ टर्म क्या होगी? 5/3 होगी। नेक्स्ट है, एट्थ टर्म इज 1/3, किसकी? एचपी की। तो एट्थ टर्म ऑफ एपी पता क्या होगा? 3/1 होगा। ठीक है, अब कहते हैं एचपी की कौन सी टर्म निकालनी है? सिक्स्थ टर्म ऑफ एचपी। अगर मैं यहां पर लिखूं T6 मुझे चाहिए, और ये पता किसके इक्वल है? A6 के उल्टे के इक्वल है। इनवर्स ऑफ A6 क्या होता है? T6। ठीक है जी, सही है। एपी की सिक्स्थ टर्म को उल्टा करेंगे तो जीपी एचपी की सिक्स्थ टर्म आ जाएगी।
तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे A6 चाहिए, ठीक है। और एपी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपने किए हुए हैं, और यहां पर अगर मैं बात करूं A6 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, A6 की, तो सबसे पहले यहां पर देखना दोनों में, यहां पर नीचे 3 है ना, हमेशा ही ऐसे करना है पेपर में क्वेश्चन, क्या करना है, अगर इसके डिवाइड एचपी के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मोस्टली क्या होगा उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा, याद रख लेना एचपी के क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और आपने उसको जब एपी में कन्वर्ट करना है तो उसका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करनी है, वहीं से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे, अब यहां पर देखना, यहां पर क्या है, 4/3 है, यहां पर अगर अपॉन 3 है तो यहां पर भी 3 बना लो। कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई नीचे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/3, ठीक है जी, क्या आ गया, 9/3। अब देखना ध्यान से देखो, 4 का आंसर है 5, 8 का आंसर है 9, तो 6 का आंसर क्या होगा, 7/3। क्लियर है, क्लियर है पिक्चर, चेक कर लो, A4 का आंसर है 5, A8 का आंसर है 9, एक ज्यादा है, तो A6 का क्या होगा, 7/3। अब ये 7/3 नहीं आंसर है, ठीक है, आंसर उल्टा है इसका, मतलब 3/7, ठीक है जी, ये आंसर आ गया। प्रॉपर क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, अगर करना है तो वो आप फॉर्मूला पता कौन सा लगाओगे, आपने ये एक फॉर्मूला किया था, क्या था, हमारे पास है, अगर यहां पर मैं बात करूं, हमारे पास है A6, एक सेकेंड, एक है 4, A4 है ना, एक है A8, और A6, A6 निकालना है, तो एपी में क्या होता है, स्लोप इक्वल होती है, तो स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के यहां पर कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लेना, वैसे भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो रहा था, ठीक है जी। चलें आगे, आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक दो बातें बता दूं, यहां पर अगर कभी आपके पास ऐसे बोल दें, एपी ABC आर इन एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो आप सिंपली 1, 2, 3 पे चेक कर लेना, उसका जो आंसर है बन रहा है, मतलब एक रिलेशन दे जाए, ऑप्शन में एक रिलेशन दे जाए, तो आप क्या करो, ए को 1 मान लो, बी को 2 मान लो, सी को 3 मान लेना, आंसर चेक कर लेना मैच कर रहा है, जिस ऑप्शन में नहीं मैच करेगा वो आप कट कर देना, और जो ऑप्शन रहेगी ऐसे करके माइनस करते रहना, ऑप्शन कम करते रहना, ठीक है जी। अगर आपसे बोल दें ABC आर इन GP, अगर GP में बोल दें तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, 1, 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, ये आप 3 एलिमेंट ले लोगे, ठीक है जी। अगर बोल दें ABC R in HP, किसमें है, हाई HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अगर HP में है तो आप सिंपली क्या करोगे, 1/1, इसका उल्टा कर दो, 1/ क्या करो, ABC की वैल्यू 1, 2, 3, और यहां पर क्या बन रही थी, एक सेकेंड, यहां पर क्या बन रही थी, थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या बन रही थी, यहां पर किसका उल्टा मैंने बोला था, मैंने बोला था आपको ये सीक्वेंस जो फर्स्ट वाली है एपी, उसका उल्टा कर देना, दैट इज 1/2 एंड 1/3। और अगर एचपी में है, आपने कंडीशंस देखनी है, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर जीपी में चेक कर रहे हैं तो 1, 2, 4 सफिशियंट है, उसमें ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है जी। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या, हमने फर्स्ट 38th कर लिया है, नेक्स्ट करते हैं 39। 39th क्वेश्चन करने से पहले मैं सबसे पहले यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, उन्होंने एक ये फॉर्मेट दे दिया, ये वाला एक फॉर्मेट दे दिया, वो कहते इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं,
रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कैसे इक्वल हैं या इक्वल नहीं है, या जो भी देख लेते हैं। कहते रूट्स इक्वल हैं ए बी सी आर इन, ए बी सी किस फॉर्मेट में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, इन तीनों में से आपने कोई बताना है एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। तो आप सिंपली क्या करोगे, सबसे पहले एपी के लिए आपने क्या उठाना है, 1 2 3, एपी के लिए 1 2 3, एपी के लिए 1 2 3 यहां पर पुट करके देखो क्या बन रहा है। अगर 1 2 3 पुट करूं तो यहां पर 1 2 -3 करेंगे तो यहां पर -1 आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, -1x2। ये थोड़ा सा चलता रहता है बीच में। देन है 1 2 3 पुट करना है तो 2 3 -1 है ना, तो यहां पर क्या बन रहा है, 2 3 -1 करेंगे तो 4 बन रहा है, प्लस के 4x, फिर 3 1 2 यहां पर आ जाएगा है ना, ये 3 1 2 आ गया, तो कैलकुलेशन करने पे माइनस के 3 बन जाएगा, चेक कर लो माइनस के 3 बन रहा है, इक्वल टू 0। अगर इसको करेंगे x2 - 4x - प्लस के 3 इक्वल टू 0, इसके दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, चेक कर लो, फैक्टर बन रहे 1 और 3, इसके आंसर हैं, दो आंसर आ रहे हैं। अगर दो आंसर आ रहे हैं, दोनों क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, उन्होंने बोला था इक्वल रूट्स आर इक्वल, तो एचपी तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कट हो गया, एक बंदा तो पहले ही खत्म हो गया। अब जी जीपी के लिए 1 2 4, 1 2 4 ही सोचना है, 1 2 4 माइनस करोगे तो माइनस के 2x2 आ गया, ठीक है जी, फिर 2 यहां पर 4 आना है, -1 हो गया है ना, 1 2 4 ही है, ए बी सी 1 2 4, तो यहां पर कैलकुलेशन करने पे मेरे पास आ रहा है प्लस के 6x, चेक कर लो 6x बन रहा है। अब 1 2 4 अगेन पुट करना है, सही है जी, 1 2 4 ही पुट किया है, ये कितना बन रहा है, -k4 यहां पर इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर 2 से डिवाइड कर दूं, -2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास पता क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है ये वाला, इसके आंसर भी 1 2 2 हैं, चेक कर लो 1 और 2 दो आंसर हैं, दोनों क्या हैं, डिस्टिंक हैं। अब यहां पर देखेंगे तो ये भी क्या इक्वल नहीं आ रहे, उन्होंने बोला दोनों इक्वल आना चाहिए, अब चेक कर लेते हैं क्या था, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, मतलब जहां पर भी ए बी सी है आपने सिंपली क्या करना है, उल्टा लिखना है। उससे पहले मैं पता क्या करता हूं, जानबूझ के इसको ना ए बी सी से डिवाइड कर देता हूं, सो दैट मेरे को पहले मेरे पास एक आंसर है 1/1। अगर मैं 1/a का लिखूंगा तो वो 1 बन गया, 1/b का लिखूंगा तो वो 2 बन गया, एंड 1/c का लिखूंगा तो वो 3 बन गया, ठीक है जी, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने के लिए मैं ए बी सी से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, अगर यहां पर ए बी सी से डिवाइड करूंगा तो क्या बन रहा है मेरे पास, वो मैं अभी लिख लेता हूं, ए से ए कट गया, बी को बी से डिवाइड करेंगे बी कट जाएगा, 1/c आ जाएगा, 1/c - 1/b, साथ में x2 आ गया। फिर सेम ऐसे करने पे आगे क्या आ जाएगा, बी कट गया, मेरे पास आ गया 1/a, 1/c साथ में x। फिर ऐसे करने से मेरे पास क्या आ गया, a/b आ जाएगा, मतलब a यहां पर b आ जाएगा, यहां पर a आ जाएगा, आई होप क्लियर है आपको। अब यहां पर क्या है, 1/a का मतलब है 1, देन है 2, देन है 3, तो यहां पर आ गया 3 - 2, यहां पर आ गया 1 - 3, यहां पर आ गया 2 - 1, सही है जी, चेक कर लो एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा है। तो इक्वेशन पता क्या बन गई, इक्वेशन बन गई हमारे पास x2 - k2x + 1, चेक कर लो इक्वल टू 0, और इसके आंसर चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दोनों का आंसर 1 1 है, इक्वल है, किस पे इक्वल है, सी ऑप्शन पे इक्वल है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, यही इसका बेस्ट मेथड है। अगर आप करोगे एग्जैक्टली करोगे तो आप फिर
होगा नहीं, एग्जैक्टली करोगे टाइम बहुत जाएगा, एग्जैक्टली नहीं करना, यही फॉर्मेट यूज करना है जो मैंने बताया, सभी जगह पे आपने एबीसी यही यूज करने हैं। अगर कभी ऐसे हो ऑप्शन दो सिमिलर आ जाएं, अगर कभी हो जाता है, अगर कभी ऑप्शन दो सिमिलर आ जाएं तो आपने क्या करना है, उसके नेगेटिव लिख देने, -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2, -4 नेगेटिव कर देना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना देना। कभी कभी ऐसे होता है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखा होता है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, क्या बोला गया, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एचपी, मतलब ये T1 है, ये T2 है, मैं जल्दी से जल्दी इसको उल्टा करके A1 लिख लेता हूं। A1 मेरे पास आ गया 5/2 एंड मेरे पास A2 आ गया 23/12, सही है। और मैंने क्या याद किया था, डिनोमिनेटर नीचे सेम करना है, हर बार फ्रैक्शन में आएगा एचपी के, तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहां पर 12 है, यहां पर 2 है, क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, तो A1 का आंसर क्या आ गया, 30/12। A2 का आंसर आ गया मेरे पास, A2 का 23/12 A2 का। अब आगे लिखने जा रहे हैं, अगर आगे लिखेंगे ना तो आपको पता चल रहा है 7 का फर्क है सिर्फ, तो 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 16/12, फिर 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 9/12, फिर 7 माइनस करेंगे 2/12, फिर 7 करेंगे नेगेटिव में चला जाएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं नेगेटिव, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर सोचना ध्यान से, कोई कोई दो तीन नंबर ले लो, कोई भी नंबर सोच लो, दो सोचने हैं, सपोज आपने, मैंने मान लिया आपने ये दो सोचे हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, आपने जो भी सोचे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख लो, दो अलग अलग सोचने हैं उन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में रख लो। आई होप आपने ए असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट रखा होगा स्मॉल, और ये उससे लार्ज। अब इसको उल्टा कर दो, अगर उल्टा करोगे, अब उल्टा देखो, ये स्मॉल हो जाएगा, ये लार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। किसी भी चीज को जितने कम पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जितने कम पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो कम होगी। अगर एक पिज्जे को 4 पर्सन में डिवाइड करोगे वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, अगर वहीं पर ही आप 6 पीसेस करोगे तो कम मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो, यहां पर देखो, स्मॉलेस्ट है डिवाइड 1, एक पिज्जा स्मॉलेस्ट में डिवाइड हुआ है तो ज्यादा मिलेगा, एक पिज्जा ज्यादा जनों में डिवाइड हुआ है तो कम मिलेगा, तो वैल्यू क्या होगी, उल्टी होगी। अब यहां पर देखो उन्होंने क्या बोला, कहते फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एचपी हमारे पास ये है, देन द लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बतानी है, लार्जेस्ट, अगर ये लार्जेस्ट है एचपी की तो एपी की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बतानी है हमने, एपी की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बतानी है, और यहां पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चेक करो कौन सी है, ये एपी की स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी है, इसके बाद नेगेटिव आ जाएगी, और ये कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, स्मॉलेस्ट बतानी थी और स्मॉलेस्ट हमने बता दी, ठीक है जी, हो जाएगा, कर लोगे ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, थोड़ा टॉपिक जो है मैं आगे से भी उठा रहा हूं, हार्मोनिक मीन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हार्मोनिक मीन की अगर मैं बात करूं, इसके रिलेटेड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसके रिलेटेड कम आता है, इसके रिलेशन के बेस पे जरूर आता है। अब देखो मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, किसकी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, यहां पर मैं ना अल्फा बीटा कर देता हूं, ए बी सी हमने ना ज्यादातर पढ़ा है एपी में, तो उसको थोड़ा मैं यहां पर अल्फा बीटा कर देता हूं। अगर अल्फा बीटा ये दो टर्म्स हैं एचपी की,
इसका मैंने हार्मोनिक मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, बट मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है जो इसको उल्टा करेंगे ना तो ये टर्म्स बन जाएंगी एपी की, और एपी की एपी से एम निकालना हो, अर्थमेटिकल मीन निकालना हो, तो वो तो बहुत सिंपल है। कैसे करना होता है? 1/α + 1/β/2 ऐसे ही होता है, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2। इसको थोड़ा एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, α + β/α β/2 सही है जी। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो क्या बन जाएगा, α + β/2 α β, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वो कहता है अल्फा प्लस बीटा को ये भी डिवाइड कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, ठीक है जी। अब हमें पता है कोई भी फॉर्मूला हो, अगर आपने एचपी का निकालना है ना तो सिंपली उसको उल्टा कर दो एपी वाले फॉर्मूले को, तो इट मीन्स एम अर्थमेटिकल मीन जो इसका आएगा ना उसको उल्टा कर दो, वो हार्मोनिक मीन बन जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है बात, उल्टा कर दो, अगर उल्टा कर देंगे तो यहां पर पता क्या बन गया, दो फॉर्मूले आपको समझ आ जाएंगे, वो कौन से हैं, एक तो आप हार्मोनिक मीन को ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा ही इसको उल्टा कर दो, दैट इज 2/1α + 1/β, एक तो ये है वे, एक वे और है कैलकुलेशन करके हमने निकाला है, तो वो है 2α β/α + β, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा और अलग से देखें, इसको थोड़ा और अलग से देखते हैं, चलो छोड़ो, ये क्लियर है, इतना क्लियर है या नहीं बता दो मुझे, इतना क्लियर है, चलें आगे। अब हमें क्या समझ आया, अगर अर्थमेटिकल मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, ये वाला एक मेथड लगाना पड़ेगा, या क्या लगाना पड़ेगा मुझे, मुझे लगाना पड़ेगा एचपी से एपी में आएंगे, एपी से एम में आएंगे, और एम से एचपी में जाएंगे, सही है, एच एम में जाएंगे, हार्मोनिक मीन में जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ आ गया क्या, क्या बोल रहा हूं मैं करने के लिए, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक और फॉर्मूला सुनो, वो क्या है, ए बी सी, या ऐसे बोल देता हूं अल्फा बीटा गामा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हैं, तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, तो वो रिलेशन क्या होगा, 1/, ध्यान से सुन लेना क्या है, 1/α, 1/β, 1/γ करेंगे तो वो क्या, कहां पर पहुंच जाएगा, एपी में। अब एपी में एक रिलेशन होता है, ये क्या होता है, इन दोनों की एडिशन डबल ऑफ दिस है ना, तो डबल ऑफ दिस मतलब 1/β = 1/α + 1/γ, 1/α + 1/γ, ये आ गया मेरे पास 1/γ। अब देखो यहां पर ये क्या बन गया, ये 2 × 1, यहां पर 2 बन गया, ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया, ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है जी। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, तो यहां पर देखना बीटे की अगर वैल्यू निकालें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टा करेंगे, अगर उल्टा करेंगे 1/α + 1/γ, और ये डिवाइड बाय 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ध्यान से अगर देखोगे ये और कुछ नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे ये और कुछ नहीं है, ये है हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड गामा। चेक करो, अगर अल्फा बीटा का हार्मोनिक मीन निकाला था तो ये रिजल्ट दो हमने किए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है जी, ध्यान से देख लो। अब यहां पर देखो ध्यान से, ठीक है जी,
तो क्या होता है अगर अल्फा बीटा गामा अगर तीन टर्म्स हैं एपी की, तो मिडल वाली टर्म क्या होती है? मिडल वाली टर्म होती है उन दोनों का मीन। मीन कैसे बोलते हो? अगर एपी का है तो अर्थमेटिकल मीन, अगर जीपी का है तो वो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन होता है। अगर एचपी का है तो वो क्या होता है? हार्मोनिक मीन। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे। अब आगे मेरी बात सुनो। अगर मैं बोल दूं मेरे पास ए एंड बी दो टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें मैंने क्या करना है? एन हार्मोनिक मीन ऐड करने हैं। कितने? एन हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन वन, हार्मोनिक मीन टू, हार्मोनिक मीन थ्री, हार्मोनिक मीन फोर, हार्मोनिक मीन फाइव, अप टू सो ऑन, एन करने हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट एक। अगर मुझे ऐसे करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें? वन अपॉन ए मीन्स टू से एपी में, वन अपॉन एच वन, वन अपॉन एच टू, वन अपॉन एच थ्री, वन अपॉन एच एन और वन अपॉन बी। ठीक है जी। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था? ये मेरे पास पता क्या आ गई? ये मेरे पास आ गई एपी। अब ये एपी है, एपी के फॉर्मूले आपको याद हैं? एपी में जो ए एम निकालते थे, ए एन, वो पता क्या डिफरेंस क्या होता था? पहले मुझे डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस होता था, ध्यान से सुन लेना, डिफरेंस होता था लास्ट वाला मतलब 1/b माइनस 1/a, ठीक है, डिवाइड बाय एन प्लस वन होता था, याद है आपको? ठीक है जी। सेम चीज यहां पर है। अब ये डिफरेंस पता किसका आया? ये आया एपी का। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुन लेना अभी भी, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं? तो अगर मैं बात करूं ए एन की, है ना, एंथ टर्म क्या आएगी? तो एंथ टर्म क्या होती थी? वन अपॉन ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस क्या होता था? एन टाइम डिफरेंस, एन टाइम डिफरेंस, डिफरेंस दैट इज बी। यहां पर क्या बन रहा है? डिफरेंस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है जी। अब ध्यान से सुन लो, ये आया है किसका आंसर? ये आया है वन अपॉन एच एन का आंसर। सही है जी, ये आया है वन अपॉन एच एन का आंसर। और मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है एच एन, दैट इज वन अपॉन, अब इसका एलसीएम वगैरह लेके आप बना सकते हो, इसको उल्टा करना है, मतलब वन अपॉन ए प्लस साथ में आ गया एन अपॉन एन प्लस वन, साथ में वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए। आपने क्या करना है? इसको उल्टा करना है कैसे भी करके, मतलब इसको कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो। ठीक है जी। एक तो ये बात मैं बता रहा हूं, जस्ट ये बात बता रहा हूं, कहानी खत्म। इसको यूज यूज कहीं नहीं होना, ठीक है, और इसमें से पेपर भी नहीं आता। पेपर में अगर फॉर्मूला आएगा तो ये एन वाला नहीं आता, एन वाला नहीं आता, मैं पहले ही बता देता हूं। इसके रिलेटेड फॉर्मूला आते हैं, ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है, पेपर में ये आएंगे, जो ये वाला अर्थमेटिकल मीन से ज्योमेट्रिकल मीन बनाया, ये वाला फॉर्मूला एक आएगा, ऐसे फॉर्मूले आएंगे, ये एन उसमें घुसेड़ने वाले नहीं आएंगे, तो वो फॉर्मूला नहीं आएगा। उसको जस्ट एज ए रिजल्ट हमने एक बार जस्ट गो थ्रू किया है याद करने के लिए। ठीक है। अब इसके रिलेटेड रिजल्ट सुनो। कोई भी टर्म, सबसे पहले एक बात सुन लो, एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी, बिकॉज उल्टा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1/0। और 1/0 वो एपी में है, वो तो चीज पॉसिबल ही नहीं है। और जो एपी में कन्वर्ट होगी उसमें भी जीरो नहीं होगी, बिकॉज उसने भी नीचे आना है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो हमारे पास कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी, एचपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी। अगर किसी रिजल्ट में, सपोज किसी रिजल्ट में ऐसे कोई रिजल्ट दिया हुआ है और ऑप्शन में जीरो है, तो अगर ऑप्शन में जीरो है तो वो एचपी के आंसर नहीं है, ठीक है, वो जीरो वाले सारे ही आप कट कर दोगे। ठीक है जी। अब दो तीन बातें याद रखना, दो तीन बातें क्या हैं, दो तीन बातें हैं जो मोस्टली जो पेपर में यूज हो जाती हैं और वो
इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमने डायरेक्ट याद करने हैं, तो वो क्या हैं? अगर ए बी मेरे पास दो टर्म हैं, उनके बीच हार्मोनिक प्रोग्रेशन एच है, उसका नाम है हार्मोनिक मीन एच है, उन दोनों का हार्मोनिक मीन क्या है? एच। तो एच किसके इक्वल होगा? एच होगा डेफिनेटली टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही हमने याद किया है अभी तक, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब सुनो कुछ, एक मेरी बात सुनो, रिजल्ट है दो तीन। फर्स्ट रिजल्ट है क्या है? वन अपॉन एच माइनस ए कर दो प्लस वन अपॉन एच माइनस बी कर दो, इक्वल होगा वन बाय ए प्लस वन बाय बी के, ठीक है। अगर आपने निकालना है तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला निकाल लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके करके देख लेना, आंसर सेम आएगा जो ये बना है। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? एच माइनस ए, तो ए आ गया साथ में, ठीक है। एच माइनस बी, साथ में क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है जी। ये याद करने का एक मेथड बना लिया है, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे, दूसरा एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है वो भी मैं बता ही देता हूं, अभी अभी ही बता देता हूं, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट है, अगर एच माइनस टू ए करते हो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हो एच प्लस एच माइनस टू बी से, एच माइनस टू ए एंड एच माइनस टू बी दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका आंसर पता क्या होगा? एच स्क्वायर होगा, ठीक है। ये याद कर लेना, ये पेपर में डायरेक्ट एज ए रिजल्ट आते हैं, तो ये याद कर लेना। फिर अगर एक रिजल्ट और है, वो क्या है? अगर एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए हो, ठीक है जी, प्लस एच माइनस बी, एच प्लस बी एंड एच माइनस बी हो, तो इसका आंसर टू होता है, ठीक है। करना है तो वो एच की वैल्यू जो मैंने अभी बताई थी वो पुट करके देख लेना, ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है बात? चलें आगे। चलो जी, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये याद रख लेना। ये आपने कैसे याद करोगे? एच माइनस ए डिवाइड में आया है, तो यहां पर देखो, अगर ये दोनों ही फ्रैक्शन में होते तो टू तो कभी भी नहीं बनना था, ठीक है। अगर दोनों ही वन से लेस होते तो वन से ये अगर डिवाइड करूंगा तो नीचे वाली टर्म जो है, नीचे वाली टर्म जो है वो कम है, और ऊपर वाली टर्म यहां पर भी देख लो, तो कंबाइन रिजल्ट जो है वो क्या है? इसका टू, ठीक है, याद रखना टू है। अगर मैं ऐसे बोल दूं, सपोज ऐसे बोल दूं, ए बी सी आर इन एच पी, किसमें बोल दिया मैंने? एच पी में। तो ये बी जो है ना, इनका हार्मोनिक मीन है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? फिर यहां पर लिखोगे ए, यहां पर लिखोगे सी, और यहां पर एच की जगह पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट है जस्ट याद करने के लिए। फिर यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर भी बी आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा, ठीक है जी, यहां पर सी आ जाएगा। मतलब हमने क्या याद किया है? अगर ए बी दो नंबर हैं, उनके बीच हार्मोनिक मीन है, तो रिजल्ट क्या है? उनके बीच जो भी होगा वो हार्मोनिक मीन होगा, ठीक है। तो ये थोड़े ध्यान रख लेना, अगर वो तीनों क्या हैं? एचपी के पार्ट्स हैं। चलें आगे, ये रिजल्ट जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे पेपर में क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जो मैंने बताया ए बी सी अगर बोले एचपी में है तो आपने कैसे करना है क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। वन वन बाय वन, देन वन बाय टू, देन वन बाय थ्री, ये वाली ट्रिक लगा लेना, पेपर में कामयाब होती है। अगर ना हो तो उल्टी कर देना, मतलब माइनस कर देना, उल्टी नहीं करनी, हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट है, एचपी जीरो नहीं होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक रिजल्ट ये लिखा हुआ, यहां पर एच अगर हार्मोनिक मीन है तो ये रिजल्ट जो है होल्ड करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, ये रिजल्ट मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अब यहां पर देखो, वो कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स के, इक्वेशन के रूट्स, अगर इसके अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, है ना, अल्फा एंड बीटा अगर दो रूट्स हैं
तो उन दोनों का प्लस पता क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए जो हम करते थे, दैट इज माइनस माइनस प्लस के 4 + √3 अपॉन 5 + √2। ठीक है, देन अल्फा इंटू बीटा की बात करें वो आ गया हमारे पास सी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यहां पर आ गया 8 + √3 अपॉन 5 + √2। सही है जी, 5 + √2। अब अगर मैं बात करूं क्या है, कहते हार्मोनिक मीन बताना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 α β अपॉन α+β। अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है जी, सही है। चलिए आगे, तो यहां पर इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा, यहां पर देख लेते हैं। 2 अपॉन, ध्यान से सुन लेना, 2 × साथ में आ गया मेरे पास 8, एक सेकेंड, चलो यहां पर किया ही हुआ है, ये किया हुआ, इसको क्या करना है। अब देखो ध्यान से, ये वाली टर्म के साथ कट गई, ये दोनों आपस में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाले तो पता क्या आ गया, यहां पर 4 बन गया, बाकी यहां पर 4, यहां पर √3, 4 √3 एंड 4 √3 भी कट गया, तो 4 आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, वो कहते वहां ए बी सी, इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी है तो ये फॉर्मूला तो मुझे पता है, क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो फॉर्मूला तो मुझे पता है, डबल ऑफ 1/b इज इक्वल टू 1/a + 1/c। सही है, सही है जी। अब ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर देखो, यहां पर इसका आंसर आ गया, यहां पर इसका आंसर आ गया, अगर यहां पर इसका आंसर आ गया तो 2b यहां पर आ गया, ये सारे की जगह पे 2b आ गया, 2b में से 1/b गया, तो हमारे पास टोटल इसको छोड़ के पता क्या आ गया, 1/b आ गया। अब 1/b दोनों से मल्टीप्लाई है, सबसे पहले 1/b जो भी आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई है, तो ये तो नहीं आएगा, बी ऑप्शन तो कट गई, इसमें 1/b नहीं है, तो कैसे आएगा आंसर, इसमें और इसमें दोनों में है। अब चेक करते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है, ठीक है जी, कौन सा राइट ऑप्शन है। सबसे पहले यहां पर मैं देखूं तो 1/c का अगर आंसर लिखूं तो वो क्या आएगा, 1/c का, 1/c का आंसर लिखूं तो वो क्या आएगा, देखो जरा, बिकॉज यहां पर पता क्या है, सी इसमें है, बी है, बट ए नहीं है, 1/a नहीं है, तो 1/a का आंसर निकाल रहा हूं मैं, 1/a यहां पर है यहां पर नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है, ए है या सी है, दोनों में से कोई एक है, मैं यहां पर 1/c की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1/c की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/a उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, यहां पर इक्वल टू का साइन आ गया, यहां पर सी की जगह पे आ गया, अगर सी की जगह पे आ गया तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 3b बन गया है ना, जैसे ही 3b बना -1/a, साथ में एक पहले 1/a है तो यहां पर 2 बन गया, तो ये अगर इसको 1/b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आपको समझ आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए बी सी आर इन एचपी लिखा हुआ है, अगर एचपी है तो मुझे एक बात पता है, ए बी सी एचपी लिखा हुआ है तो मुझे पता क्या पता है, मुझे पता है बी इसका हार्मोनिक मीन है, बी क्या है, हार्मोनिक मीन किसका, सी ए एंड सी का, बी है हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। सही है, सही लिखा है मैंने। अब ध्यान से देखो, हार्मोनिक मीन के 3 रिजल्ट हमने किए थे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हार्मोनिक मीन का रिजल्ट किया था, क्या किया था, जिसका भी है उन दोनों की मल्टीप्लाई, ए एंड सी यहां पर आ जाएगा है ना, अपॉन a+c आ जाएगा, a+c आ जाएगा, ये आ जाएगा, और हार्मोनिक मीन की जगह पे क्या लिखना है, बी, बिकॉज उसका आंसर बी है। ठीक है जी,
अब ध्यान से देखो, ये रिजल्ट गलत लिखा हुआ है, ये तो गलत है। यहां पर अगर टू होता फिर तो पास था, ये तो गलत है। फिर एक फॉर्मूला हमने अभी किया था, एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए प्लस एच माइनस प्लस सी अपॉन एच माइनस सी इक्वल टू टू, ये किया था। सी की जगह पे बी किया था, वहां पर मैंने ए बी लिखे थे, तो यहां पर ए एंड सी लिखना है, बिकॉज एच इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी। एच का नाम क्या है? बी। एच की जगह पे बी पुट करेंगे तो ये तो नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा टू, यहां पर लिखा हुआ है वन, तो ये भी गलत है। अब इसमें से देखो ये वाला ऑप्शन सही है या नहीं है, ये एक ऑप्शन मुझे चेक करना है भाई सही है या नहीं। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सारा कुछ नहीं कर रहा, ये भी मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। और मैं क्या करने जा रहा हूं वो आपको पता ही है, वैसे वो आपको पता ही है मैं क्या करने जा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। एचपी के हैं, एचपी की वैल्यूज हैं 1/1, 1/2 एंड 1/3, एचपी के ले लिए मैंने। अब पुट कर देते हैं, इससे मैंने क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए करेंगे, माइनस के 1/2 बन रहा है। फिर बी माइनस सी निकालना है, बी माइनस सी। तो पहले तो निकाला बी माइनस ए, फिर अब निकालना है सी, बी माइनस सी, इन दोनों की माइनस। 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6, तो ये 1/6 बन गया। अब इन दोनों को, जो b माइनस ए किया है एंड b माइनस सी किया है, इन दोनों को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर उल्टा करोगे तो यहां पर माइनस टू बन जाएगा, फिर प्लस का साइन है, फिर यहां पर सिक्स बन जाएगा, ये बन गया फोर, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/b के। 1/b को अगर b को उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, वो बन जाएगा टू, विच इज नॉट इक्वल। तो ये ए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है जी। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी इज नन ऑफ अबव, ठीक है जी। चलें आगे, ये एचपी हमारा आज कंप्लीट हो गया। एचपी मैंने कहा था ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने के लिए, एचपी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अर्थमेटिको एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, दैट इज एजी सीरीज भी बोलते हैं, एजी सीरीज, अर्थमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंबाइन, ठीक है, वो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।